हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग चैप्टर टू देखेंगे, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो बुक है, और चैप्टर टू हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कलेक्शन ऑफ डाटा। आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे, रिवीजन के तौर में हम लोग एक ही वीडियो में सारे को खत्म करेंगे, ठीक है ना। आपका वैसे भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है तो टेंशन नहीं लेना है, चैप्टर पढ़ लेंगे तीनों चैप्टर, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन, तीनों खत्म करने के बाद इसका मैं एमसीक्यू दे दूंगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आपका कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, क्या होता है। तो डाटा इज, हम लोग भी जानते हैं कि डाटा कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, सब तो बात पता ही होगा। तो डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, एंड मेजरमेंट्स, जो भी मेजर किए, जो भी फैक्ट है हमारे पास, उन सबको क्या करते हैं हम लोग, कलेक्शन करते हैं। तो वही करेंगे, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड मेजरमेंट। डाटा इज द टूल्स विच हेल्प इन द रीडिंग ए साउंड ऑफ कंक्लूजन बाई प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। देयर फॉर यहाँ पे देखिएगा, डाटा इज द टूल्स, डाटा क्या टूल्स है, हथियार है, औजार है, विच हेल्प इन रीचिंग ए साउंड ऑफ कंक्लूजन। कहने का मतलब कि एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचते हैं बाई प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, देयर फॉर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता है डाटा से, ठीक। फॉर द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कह रहा है कि स्टैटिकल जाँच पड़ताल करने के लिए कलेक्शन ऑफ डाटा ही पहला काम है, सबसे सर्वोपरि काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपको करना है तो, जैसे कि सोर्स में देख लीजिए, डाटा के सोर्स में प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी होता है, पब्लिश होता है, अनपब्लिश्ड भी होता है। तो नाम से सब क्लियर है, प्राइमरी जो फर्स्ट हैंड से होगा, सेकेंडरी कहीं पब्लिश रहता है वहाँ से लेते हैं, पब्लिश तो वही पब्लिश हो गया, और अनपब्लिश जो पब्लिश नहीं रहता है। तो देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। तो डाटा आर ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में जो स्टार्टिंग कलेक्ट होगा ओरिजिनल रूप से, तो उसी को बोलेंगे प्राइमरी डाटा। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा विच कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, जो स्टार्टिंग में होता है, इट इज कलेक्टेड बाई डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से इसको डायरेक्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे इसका मेथड है, जैसे कि देर आर थ्री बेसिक वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा, पर्सनल इंटरव्यू और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट उससे जाकर ले सकते हैं, जिसमें कि मेलिंग आता है, मेल कर दीजिए, क्वेश्चन आयर सर्वे के बारे में देखे होंगे, सब डिटेल में भरा जाता है। फिर टेलीफोन इंटरव्यू से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन, वर्बल में बातचीत करना मुँह से, ठीक है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स के जरिए, उसके बाद इन्यूमरेटर मेथड भी जानते हैं कि इन्यूमरेटर किसी को भेज कर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करवाना। तो ये सब हो गया आपका फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा के बारे में क्या बोल रहा है, किसी रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डाटा बाई एक सेकेंड सम एजेंसी, कुछ एजेंसी के द्वारा विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड डाटा प्रोसीड्स, जो पहले से डाटा कलेक्टेड है, प्रोसीड्स है, तो उसी को हम लोग जाकर सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। डाटा थर्स कलेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, कहीं से जाकर हम लोग डाटा को लेते हैं, ऑलरेडी वो कलेक्टेड है, ठीक है। ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा कॉल एंड प्रोसेस्ड है, सब कुछ फिनिश्ड है, तो वहीं से हम लोग सेकेंडरी डाटा लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको मान ली किसी फैक्ट्री में जाना है, बताइए कि पिछले ईयर आपका कितना प्रोडक्शन हुआ था, तो डाटा वहाँ पर कलेक्टेड है, अब जाकर वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ डाटा वहाँ से पब्लिश भी होता है, अगर प्राइवेट है तो रखा है, नहीं तो सरकारी पब्लिश हो जाता है, तो पब्लिश होता है, कुछ कुछ अनपब्लिश भी होता है, सेकेंडरी डाटा का ही पार्ट होता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में बहुत सब्जेक्टिव में सवाल आता था कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, खैर आप लोग का ऑब्जेक्टिव होता है, टेंशन नहीं लेना है। एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी, कॉस्ट और नीड फॉर मॉडिफिकेशन, तो ये सब पॉइंट को देखते हुए देख लीजिए कैसे कैसे क्या है। मीनिंग पहले समझ लीजिए कि बेसिक कंपेरिजन दोनों के बीच, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में। प्राइमरी का मीनिंग क्या होता है, प्राइमरी डाटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डाटा, ठीक है। एग्जाम में रहेगा व्हाट इज द फर्स्ट हैंड डाटा, तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा, गेदर बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, रिसर्चर खुद से जो इकट्ठा करता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, डाटा मीन्स द कलेक्टेड बाय द समवन एल्स अर्लियर, जो कि किसी के द्वारा पहले ही कलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी डाटा कर लिया गया है। एंड डाटा रियल टाइम डाटा होता है, पास्ट टाइम डाटा होता है, ठीक। प्रोसेस में बात करें तो वेरी इन्वॉल्व अ क्विकली एंड ईजी, ठीक है। सोर्स आपका सर्वे हो गया, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, क्वेश्चन आयर, पर्सनल इंटरव्यू, ईटीसी। इसमें आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या बोले, जो पब्लिक कर देती है, वेबसाइट हो गया, बुक, जर्नल, आर्टिकल, ये सब आपका हो गया रिकॉर्ड्स, ईटीसी, सेकेंडरी डाटा। कॉस्ट की बात रखिएगा तो इसमें एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा, हर जगह जाना है, करना है, टाइम लेगा उसमें। एंड इकोनॉमिकल होता है, आर्थिक कुछ पैसा इसमें बचता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टाइम के तो ज़्यादा टाइम लेगा, शॉर्ट टाइम लेगा। इसके बाद स्पेसिफिक की बात करें तो एलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर नीड्स, एकदम जितना आवश्यकता होता है, मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्चर नीड्स, स्पेसिफिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें आपका एक्यूरेसी एंड रिलेबिलिटी, मोर रहेगा या आपका लेस रहेगा, या आपका मोर एक्यूरेट रहेगा, क्यों, मोर रिलेबिलिटी, मोर विश्वास करने लायक रहेगा, क्योंकि यह फर्स्ट हैंड डाटा रहेगा, ठीक है। सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंड हैंड डाटा का सोर्स क्या क्या है उसको देख लीजिए, जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे। पब्लिश्ड
क्या बोलते, कुछ पब्लिश डाटा बेस का पार्ट होता है किसका, सेकेंडरी हैंड सेकेंड डाटा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स, कम्युनिटी कमीशंस, ठीक है ना, प्राइवेट पब्लिकेशन, जर्नल, न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है ना। इसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, तो कहीं पर पब्लिश्ड है तो उसी को हम लोग बोलते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी कुछ कुछ होते हैं, अनपब्लिश्ड सोर्स भी होते हैं। सेकेंडरी डाटा का दोनों सोर्स, कुछ कुछ पब्लिश और कुछ कुछ अनपब्लिश्ड। तो जो अनपब्लिश्ड है उसको देख लीजिए, द स्टैटिकल डाटा नीड नॉट ऑलवेज बी पब्लिश्ड, हमेशा पब्लिश होने की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। देयर आर द वेरियस सोर्स ऑफ अनपब्लिश्ड डाटा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश्ड स्टैटिकल मेटेरियल सच एज द रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द प्राइवेट फार्म, जो पब्लिश नहीं करती है, बिजनेस इंटरप्राइजेज, स्कॉलर्स, ठीक है ना। इसके बाद रिसर्च वर्कर्स, इसके बाद दे इट इज दे मे नॉट लाइक टू रिलीज देयर डाटा टू एनी आउटसाइड एजेंसी, वे नहीं पसंद करते कि कोई और मेरा डाटा बाहर किसी को दिया जाए, अपने पास ही रखते हैं। अदर सोर्स भी होता है, वेबसाइट आपका हो गया, जैसे कि वेबसाइट से भी कोई इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं, गूगल वेबसाइट आपका क्या होता है, सेकेंडरी डाटा का पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड विल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनायर, जब क्वेश्चनायर आप ड्राफ्ट करिएगा, क्वेश्चनायर में सारा इन्फॉर्मेशन भरा रहता है, तो क्या क्या आपको रखना है उसमें, क्या क्या क्वेश्चन डालिएगा, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपका ऑब्जेक्टिव बनने का चांस है, देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, आप किस पर्पस से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जांच पड़ताल, और उसका इंट्रोडक्शन बताइए कि क्या आपका है। रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम डाल दिए, नहीं, ढंग से एकदम लिमिटेड। क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर, छोटा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली, उसमें क्वेश्चन लॉजिकल रूप से ढंग से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले पूछे नाम, क्या बोलते, माला माल बिकली में देखे होंगे, जैसे कि उसमें क्या पूछ देता है कि बच्चे हैं, तो बोलते कि हाँ, तो बोलता है शादी हुआ है, मार देता है, तो उल्टा पुल्टा सवाल नहीं, एक ढंग से होना चाहिए, ठीक है, उस टाइप से करिएगा। इंट्रोडक्शन शुड बी क्लियर, और उसके बाद प्रॉपर स्पेस ऑफ द आंसर, आंसर लिखने का भी स्पेस हो उसमें। क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, जो कि अच्छे से उसका जांच संदर्भ में हो, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल क्वेश्चन शुड बी एवॉइड, अपना सवाल नहीं पूछिएगा, ठीक है, एवॉइड क्वेश्चन कैलकुलेशन वगैरह, कैलकुलेशन करिए, उतना गांव घर के स्टूडेंट नहीं पढ़ा रहता है पर्सन, तो ऐसा डाटा मत दीजिएगा, सवाल मत दीजिएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन मत, कैसे नहीं, ऐसे कैसे हो गया, आप ऐसे बोल रहे हैं, वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा था, उस टाइप से नहीं। द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिजियस, एम्बिजियस मतलब कि जो द्विअर्थी हो, जिसका दो अर्थ निकले, ठीक है ना, यानी कि अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। द क्वेश्चन शुड नॉट यूज द डबल निगेटिव लाइक डोंट यू, इस टाइप से अलग अलग सेंस निकले। क्वेश्चन शुड नॉट बी इंडिकेट अल्टरनेटिव आंसर, तो सिंपल आपका सवाल उसमें रहना चाहिए, जो क्या आसानी से कोई भी उसका जवाब दे सके, तो ये सब क्वेश्चन आयर में रहता है, जो ढंग से क्लियर हो। चलिए, पायलट सर्वे आपका पूछेगा, पायलट सर्वे क्या होता है, पायलट सर्वे जो पहले सर्वे किया जाता है, मैंने मेन इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही कोई छोटा एरिया में करके, यहाँ पर लिखा होगा कि बिफोर सेंडिंग द क्वेश्चन आयर, क्वेश्चन आयर को भेजने से पहले टू द इन्फॉर्मेशन के लिए, इट शुड बी क्या है, प्री टेस्टेड, उसको पहले ही टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स शॉर्ट्स कमिंग इफ एनी कैन बी रिमूव्ड, कोई भी कमियां होगा, शॉर्ट्स कमिंग में कोई भी कमी आता है तो उसको हटा दिया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए प्री टेस्टिंग होता है। सच प्री टेस्टिंग नेम है पायलट सर्वे, ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा तो बताइएगा। चलिए, वर्ड याद रखा था ना, प्री टेस्टिंग मैंने पायलट सर्वे, ए पायलट सर्वे जो प्रिलिमिनरी सर्वे यूज फॉर गेदर इन्फॉर्मेशन प्रियर टू द कंडक्टिंग सर्वे ऑन ए लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में सर्वे करने से पहले का इन्फॉर्मेशन प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, पहले से यूज टूगेदर लाइन, ठीक है, बड़ा इन्फॉर्मेशन से पहले का। पायलट सर्वे टाइपिकली टेकन बाय द स्मॉल ग्रुप्स, हेयर डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूचर सर्वे, ठीक है ना, अच्छे से हो जाए, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ एंड डिफिकल्टी बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव मेन सर्वे, मेन सर्वे में कोई परेशानी ना हो, इसलिए पायलट सर्वे किया जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, अब सैम्पलिंग का मेथड, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग मतलब कि हम लोग मान लीजिए समझिए कि अब चावल बना रहे थे, मतलब भात बनाइएगा, चार गो निकाल के दाने देख रहे थे कितना सही, उसे थोड़ा सा सैम्पलिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, कोई बड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए छोटा सा सैंपल नहीं, सैंपल के रूप में किसी को, तो वही बोल रहा है, तो रैंडम सैम्पलिंग अचानक ले लेते हैं किसी को, फिर क्या सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होता है, फिर रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होता है, फिर आपका क्या होता है स्टडीफाइड, सिस्टमेटिक, और मल्टी स्टेडी और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। तो आपको डिटेल नहीं पड़ा, बस नाम केवल जान लीजिए कि सब होता है। और इसके बाद नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, रैंडम में अचानक उठा लेते हैं किसी को चार को, और उस नॉन रैंडम में कुछ जज करके करेंगे, जज सैम्पलिंग, कोटा, कुछ कोटा लेंगे कि इतना ही को हम लोग कलेक्ट करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, ठीक है ना। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधाजनक कुछ सैम्पलिंग करेंगे, पर नाम कुछ कुछ पता होना चाहिए आपको डिटेल लिखने के लिए, नहीं आ कैसे क्या क्या है। चलिए, सेंसन सर्वे भी होता है, जनगणना का जो सर्वे होगा, तो दिस मेथड द एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन दिस इन्वेस्टिगेशन,
ये जांच में सारे के सारे एलिमेंट यानी कि जो पर्सन तत्व होते हैं तो सारे के सारे इसमें क्या होते हैं इन्वेस्टिगेटेड होते हैं, सारे को यहाँ पर जांच किया जाता है। सैंपल सर्वे में क्या होता है, इन दिस मेथड ए ग्रुप ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग द ऑल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, देखिए एज इन्वेस्टिगेट इसमें क्या होता है, इन दिस ग्रुप ऑफ यूनिट रिप्रेजेंट एक छोटा सा ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें के सारे एलिमेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, सैंपल में छोटा सा बाकी में तो दोनों में डिफरेंस भी कभी कभी पूछ देता है कि सैंपल में और सेंसर में क्या डिफरेंस है। तो देख लीजिए मीनिंग देख लीजिए, सेंसस क्या सिस्टमेटिक मेथड टू कलेक्ट डाटा एंड रिकॉर्ड डाटा अबाउट द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड सेंसस, और सैम्पलिंग क्या है रेफर टू द पोर्सन ऑफ पॉपुलेशन सेल्फ रिप्रेजेंट आइदर इंटायर ग्रुप और इट्स करेक्टरिस्टिक्स, कुछ ग्रुप को और यहाँ पे के सारे को जितने भी डाटा सारे को रिकॉर्ड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अबाउट द मेंबर ऑफ अबाउट द ऑल मेंबर लिखने का ऑल द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन सारे मेंबर यहाँ पे कुछ ग्रुप का यहाँ पर टेस्टिंग होता है। ठीक, इन्यूमरेटर इसमें क्या कंप्लीट, इसमें क्या होता है पार्शियल छोटा छोटा कहीं 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 एक तरफा। ठीक है, इसके बाद इन्यूमरेशन काउंटिंग एंड इसके बाद स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन का करेंगे हम यहाँ पर, ओनली हैंडफुल यूनिट को करेंगे। टाइम रिकॉर्ड क्या होगी, ज़्यादा टाइम लेगा कम टाइम लेगा। ठीक है, कॉस्ट में यहाँ पे क्या होगा एक्सपेंसिव मेथड, यहाँ पे क्या होगा इकोनॉमिकली मेथड होगा। ठीक है, उसमें जनगणना में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, ज़्यादा पैसा लगेगा। रिजल्ट इसका क्या होगा रिलेबल एक्यूरेट होगा, विश्वास करने लायक होगा, शुद्ध होगा, लेस रिलेबल होगा एक्यूरेट होगा, एंड ड्यू टू द मार्जिनल एरर इन द कलेक्शन ऑफ डाटा कुछ यहाँ पे एरर भी देखने को मिल सकता है। एरर में देखिएगा तो यहाँ पे क्या है आपका नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे का डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन पर डिपेंड करके अप्रोप्रिएट फॉर द पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस एंड क्या है पॉपुलेशन और होमोजीनियस नेचर यहाँ पर होते हैं। एक ग्रुप को लिए तो ग्रुप क्या होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, बात को समझ रहे होंगे हेट्रोजीनियस थोड़ा सा अलग अलग। चलिए क्या पॉपुलेशन और यूनिवर्स एक ही है, दोनों एक ही बात है पॉपुलेशन। तो इन स्टेटिक्स पॉपुलेशन और यूनिवर्स सिंपली रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ आइटम टू बी स्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन, पूरे आइटम को लेते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर में आता है तो उसी को यूनिवर्स बोलते हैं, इन पॉपुलेशन बोलते हैं जिसके अंदर हमको सर्वे करना होता है। ठीक है, सैंपल क्या होता है ये सब एक एक नंबर का सवाल है। तो सैंपल देख लीजिए ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द आइटम। ठीक है, स्पीड में चल रहे वन शॉट में एक सारे को खत्म करें, डिटेल में पढ़ाया हुआ बहुत पहले ही सब। ठीक है ना, जितना वीडियो होता है वन शॉट बना कर सबको खत्म करेंगे, प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सैंपल क्या होता है ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम, आई थिंक पहले से पढ़ भी लिए होंगे ना, पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल करेक्शन डाटा। सैंपल एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर रेफर्स टू द बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द स्टडिंग सैंपल एंड रिजल्ट ऑफ द सेंसस एज अ होल पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर देखिए इसको अच्छे से समझाते हैं क्या बोल रहा है, सैम्पलिंग एरर रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट ऑफ द स्टडिंग सैंपल जो रिजल्ट आया एंड रिजल्ट ऑफ सेंसस ऑफ द होल पॉपुलेशन। पहले से जो रिजल्ट आया यहाँ पे हम लोगों ने एक सेकंड यानी कि जो सैंपल लिए थे तो सैंपल का जो रिजल्ट आया और जो बाद में सेंसस का रिजल्ट आया तो दोनों के बीच का जो एरर आएगा उसको बोलेंगे सैंपलिंग एरर। ठीक है, सैंपल तो समझ रहे होंगे। चलिए नॉन सैंपलिंग एरर और आई थिंक कितना थोड़ा चलिए जल्दी से खत्म हो गया आपका कुछ नहीं है। नॉन सैंपलिंग एरर देख लीजिए अकर इन द एनी टाइप ऑफ द सर्वे वेदर इट कैन बी सेंसस और सैंपलिंग, किसी भी सर्वे से हो सकता है सैंपल या फिर सर्वे से भी आपका क्या है सैंपलिंग एरर में बायस हो सकता है और अनबायस भी हो सकता है, बायस मैंने एक तरफा और अनबायस मैंने कहीं एक तरफा नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉन सैंपलिंग एरर में आपका एरर इन द डाटा क्या है एक्यूशनिंग नॉन रिस्पॉन्स एरर सैंपलिंग बायस। ठीक है, बायसनेस होता है। सेंसर्स ऑफ डाटा इन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है जो को पूछता है कि NSSO क्या होता है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंसर्स ऑफ इंडिया यही करवाती है। तो देख लीजिए क्या होता है सेंसर्स ऑफ इंडिया प्रूफ द कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स को देता है कौन सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसके बाद NSSO वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द नेशन वाइड सर्वे। ठीक है, ऑन सोशियो एंड इकोनॉमिक सोशियो इशू लाइक एम्प्लॉयमेंट लिटरेसी। ठीक है, ये सब पे एक ओवरऑल पूरा कंडक्ट को इन्फॉर्मेशन करवाना है तो कौन करेगा NSSO। ठीक है ना, चाइल्ड केयर अंडर यूटिलाइजेशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग क्या PDS सिस्टम ये सब कौन करवाती है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। द डाटा कलेक्टेड बाय द NSSO सर्वे रिलीज थ्रू द रिपोर्ट्स एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल पूछेगा कि क्या है सर्वेक्षण क्या है सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण क्या है क्वार्टरली 1/4 यानी चार मंथ पे आपका 3 मंथ पे हो गया 1/4 मतलब 12 मंथ का होता है तो 4th यानी कि 3 मंथ पर ही आपका रिलीज होता है एक डाटा जिसका नाम है सर्वेक्षण जिसमें क्या रहता है सर्वे किसका रिपोर्ट रहता है डाटा कलेक्टेड बाय NSSO सर्वे रिलीज थ्रू द रिपोर्ट्स एक रिपोर्ट में रिलीज करती है जिसका नाम है क्वार्टरली जर्नल।
ठीक है, जिसमें डाटा इसका रिपोर्ट रहता है। इसके बाद है द साइज ग्रोथ रेट, एग्जांपल में सब कर रहा था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, सेक्स के बारे में, क्या कंपोजिशन ऑफ इलिटरेसी के बारे में, डाटा दिस डाटा आर द क्या है यूज बाय द गवर्नमेंट इंडिया फॉर द प्लानिंग पर्पस। ये सब डाटा से क्या होता है कि आगे प्लानिंग वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो यही था, बाकी तीनों को खत्म करके सारे को प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, तो सोचे एक ही में खत्म कर दें, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग से कर देंगे, बाकी हम लोग लास्ट में इसका MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, नोट्स को पढ़िएगा, नोट्स को मैं टेलीग्राम पर रिसेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।